होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में कच्ची शराब बनाने का धंधा कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। आलम यह है कि कई इलाकों में घर घर में कच्ची शराब तैयार की जाती है। घर में महिलाएं शराब तैयार करती हैं और पुरुष शराब की बिक्री करते हैं। सिवनी मालवा पुलिस ने रविवार को कुचबंदिया मोहल्ले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 2 क्विंटल लहान और कई लीटर शराब के साथ साथ शराब बनाने वाली भट्टी मौके पर ही नष्ट की गई। थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने बताया यह पुलिस की औचक छापेमारी थी, क्योंकि इसके पहले जब भी पुलिस के द्वारा छापेमारी की जाती थी तो कोई न कोई इनका मुखबिर अवैध शराब बनाने वाले को बता दिया करता था, जिससे पुलिस को सफलता नहीं मिल पाती थी। लेकिन रविवार को अचानक छापेमारी की गई और भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहान नष्ट किया गया। कच्ची शराब कारोबार के खिलाफ आगे भी निरंतर इस प्रकार के छापेमारी का अभियान पुलिस के द्वारा निरंतर जारी रहेगा। ये इस इलाके में कुचबंदीय मोहल्ले के आसपास अवैध दारू निर्माण की खबर लगातार मिल रही थी, तो अगर आते थे तो कोई इनके लोग लगे रहते होंगे तो वो सूचना पहले मिल जाती। आज अचानक और अनएक्सपेक्टेड इनको, मतलब इनको पूर्वानुमान नहीं था कि पुलिस आ जाएगी। 2 गाड़ियों में आए हम लोग और चारों तरफ से इनको सर्चिंग की गई, तो खेतों के किनारे और उसके किनारे लगभग भट्टियाँ चल रही थी जिनको नष्ट किया गया, और अवैध लहान करीबन 1.5 क्विंटल या 2 क्विंटल अवैध लहान नष्ट किया गया है, और कच्ची दारू जो बन रही थी उसको भी नष्ट कर दिया गया है। सर, इसके साथ साथ अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, वहाँ भी अवैध शराब बिक रही है, इसके लिए पुलिस कब तक कार्रवाई? हाँ, पुलिस भी करेगी और आबकारी विभाग के सहयोग से हम लगातार इसमें कर रहे हैं। आबकारी विभाग जाता भी रहता है और हमें भी सूचना मिलती तो हम भी जाते हैं हमारे, और इसमें आपने और बोला है तो हम आपसे बात करके और भी जगह पे इस तरह की रेड की कार्रवाई कराएंगे।